आप मैरिड हो, आप मैरिड हो, अगली बार 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार। तो फिर क्या बच गया है देश में? चुनाव में मोदी सब खा गया, हमारी पेंशन खा गया, हमारे रेल का कंस्ट्रक्शन खा गया, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सोना पीतल हो जाएगा, सोना पीतल हो जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब लोकसभा का इलेक्शन, मोदी जी के चार काम गिनवा दो जो मोदी जी ने करे। देखो बॉस, ऐसा है, आप यहाँ पे सारे आम आदमी समर्थक हो तो इसका है मतलब नहीं, मुझे शाउट आउट करके दबाने की कोशिश मत करो। यहाँ कोई टोपी वाला नहीं है, कोई टोपी वाला नहीं है यहाँ पे। आप मोदी जी के चार काम गिनवाओ, अगर मोदी जी ने अच्छे काम करे देश के लिए तो आपके लिए। इनको चार गिनवाए तो मैं, धारा 370 हटाई मोदी जी ने, मोदी जी ने हटाई। बिल्कुल, मैं हर साल जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, मैं 1996 से जाता हूँ, हर साल मैं अमरनाथ में यात्रा पे जाता हूँ, वहाँ पे 1996 से जा रहा हूँ, और मैंने बहुत बहुत देखा वहाँ पे क्या होता था और क्या हो रहा है। ठीक है, और बताइए जनता के लिए क्या करा, युवाओं के लिए क्या करा, एक काम बताइए, रोजगार भाई आपको नहीं दिखेगा। अरे आप दिखाइए ना, आपको नहीं दिखेगा, मीडिया दिखाएगी आपको नहीं दिखेगा। जिस जिस जिसने चश्मा पहना होगा उसको नहीं दिखेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो न्यूट्रल आदमी होगा उसको मोदी जी के काम भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। जो नॉन न्यूट्रल है, जो जैसे आम आदमी पार्टी के समर्थक है भाई साहब, या कोई कांग्रेस का समर्थक होगा उसको नहीं दिखेगा। केजरीवाल के बैच काम गिनवा दो, केजरीवाल ने भी थोड़ा बहुत काम किया। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि उसने बिल्कुल नहीं करा, क्या क्या किया, कांग्रेस से बेटर काम किया। क्या क्या किया बताओ अंकल, क्या क्या किया, उसको खा गया। हमारा जो रेल में टिकट पे कंस्ट्रक्शन था सीनियर सिटीजन पे, वो तक खा गया हमारा। केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री है, केजरीवाल की चीज क्या है, इलेक्शन की चीज क्या है, लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा लेवल पे लोकसभा देश के लिए जो मोदी जी ने किया, केजरीवाल तो अभी कुछ भी नहीं है। देखो धारा 370 हटाई है, राम मंदिर लगवाया, अभी तो कुछ नहीं किया, मोदी ने बनवाया, इन्होंने साथ खिलवा, इनके साथ खिलवा। सर ये काम कांग्रेस भी तो कर सकती है, आपको सुनना तो है नहीं है, जब जब ये कांग्रेसी है, इंडिया वाले जो है ना, इनका डबल स्पीक मैं बताता हूँ आपको। जब राम मंदिर का, एक मिनट यार बोलने दो ना, चिल्ला सुनते तो है वो नहीं हो, अभी एक शाउट आउट करेंगे यहाँ पे। जब जब शिलान्यास हुआ था ना, राजीव गांधी ने कराया था, बोलते हैं राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया था, ताले खुलवाए थे, जबकि वो भी कोर्ट ऑर्डर से हुआ था। ये वो नहीं कहेंगे, जैसे 71 में जब वो बांग्लादेश बना तो भारत की फौज लड़ी थी ना, लेकिन वो इंदिरा गांधी ने करवाया था। ठीक है, और जब मोदी ने पुलवामा किया, जब वो इंडिया वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो हुई, तो वो मोदी ने नहीं करवाया, वो फोर्स ने किया। आप मैरिड हो, अब की बार 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार। मुद्दा हो गया, ये अंधभक्तों का एक ही काम है, बीच में आना, हल्ला मचाना, चिल्लाना और भाग जाना। भाग गए ना, अरे हम तो उनसे पूछ रहे हैं काम बताओ। हम कह रहे हैं अगर मोदी जी 400 सीट पे लड़ रहे तो गिनवाओ ना, वो तो एनडीए में लड़ रहे हैं, आधी सीट पे तो बीजेपी कमल का निशान भी नहीं है। 400 पर सीट लड़ कहां से रहे हैं मोदी जी, एनडीए लड़ रही है एनडीए, मोदी नहीं लड़ रहे। अगर मोदी जी अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो क्या एनडीए 400 पार। पर अब मोदी जी ने 400 पार का नारा खत्म कर दिया, अब मंगलसूत्र का नारा चालू कर दिया। मंगलसूत्र छीन लेंगे, किसका छीनेंगे, लेडीजों का, माता बहनों का मंगलसूत्र, बैंक सब बेच देंगे, ये कर देंगे वो फलाना है। तो फिर क्या बच गया है देश में? चुनाव में मोदी सब खा गया, हमारी पेंशन खा गया, हमारे रेल का कंस्ट्रक्शन खा गया, हमारा सब कुछ खा गया। अब तीसरी दफा अगर मोदी आ गया ना, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सोना पीतल हो जाएगा, सोना पीतल हो जाएगा। ये सोना पीतल हुआ ना, वैसे देश का सोना पीतल मोदी जी कर देंगे। वो मंदिर का सोना बेच के खाए है, मोदी जी ने काहे काटने वाले लोगों से चंदा लिया है, काहे सारे बैंकों का पैसा खा जाएगा मोदी, सारे लोगों का अकाउंट खा जाएगा, ये देख लेना, सारा पैसा खा जाएगा मोदी ने कहा था कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, बहनों का सम्मान करेंगे। आज मणिपुर में मां नहीं बोलने के लिए तैयार, मणिपुर का वो ऐसा सांसद जो माता बहनों के कपड़े।
कैसा सांसद बीजेपी के अंदर है? 15 लाख रुपए कहाँ चले गए? वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई? वो महंगाई कहाँ चली गई? वो पेट्रोल 30 रुपए का था, कहाँ चला गया? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों आप लोग इतना केजरीवाल को लेकर कह रही हैं? क्यों मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए? अच्छा किस लिए आने चाहिए? मैं आपसे ही पूछ रही हूं, नहीं चाचा, चाचा मैं आपसे ही पूछ लूँ, एज ए यूथ क्यों आने चाहिए मोदी जी? मोदी जी के जितने समर्थक है वो कह रहे हैं अब की बार 412 जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, धारा 370 काफी काम किया है मोदी। जो भी लोग कह रहे हैं उनकी क्या औकात है और मेरी भी क्या औकात है जो राम को ला सके हम? कोई ला सकता है राम को? अरे राम ने हमें जीवन दिया है, जीने का सहारा दिया है, तुम नहीं लाए, मंदिर जरूर बनवाया है, ये सच्चाई है। और राम हमेशा है, पहले भी थे, रहे और हमेशा रहेंगे। रही बात यूथ को कितनी नौकरी दी है, चलो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कितनी? मैं तो काम करती हूँ, जो तुम नौकरी, ये आपका अपना नौकरी है, लेकिन ये नौकरी क्या किसी के? आपने देखा है अभी BA MA पढ़े हुए बच्चे अभी भी बेरोजगार डोल रहे हैं, आप सोच सकते हैं क्या है? क्योंकि जमीनी हकीकत हम जानते हैं, हम महिलाएं हम कैसे घर चलाते हैं ये भी हमें पता है, रेहड़ी लगा रहे हैं आज की डेट में वो बच्चे। और क्यों नहीं, आपने भी तो देखा है महिलाओं के साथ क्या करा था मोदी के उन्होंने MP ने, ये भूल गए क्या? खिलाड़ी कहाँ बैठी थी हमारी? और तो और अभी एक नया किस्सा आया है जो साउथ का, जो इनका वो MP के चुनाव लड़ रहा है, कितनी महिलाओं का चीरहरण करा है उसने। तो ऐसे 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 जो दुर्योधन और वो है उसका भाई, ऐसे लोग नहीं चाहिए दुशासन जैसे लोग। अगर कांग्रेस आएंगे तो कांग्रेस की गठबंधन आती है तो गठबंधन में ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इन चीजों पर जमीन से काम किया जाएगा। और सही बात तो ये है कि 10 साल का एक कोई बड़ा कार्य है मोदी जी का मंदिर के अलावा बता दीजिए? विदेशों में घूमना, मोदी जी ने एक बात कही थी, मैं यहाँ से संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चले जाएंगा। तो मोदी जी महिलाओं ने ठान लिया, झोला कंधे पर डालिए, क्योंकि एक महिला को तो आप पहले भी छोड़ आए थे, एक महिला को तो पहले भी छोड़ आए थे, आप तो दूसरी का भी देश की महिलाओं को छोड़िए और आप निकलिए। पर्सनल कमेंट मत करिए, निजी जिंदगी है, उन्होंने क्या किया है नहीं किया है आप देश की। अच्छा क्या है की गारंटी मुझे हमें बताइए ना, क्यों नहीं करें? अरे वो लखपति दीदी बनाने वाले पहले भी बना रहे थे, अभी उन्होंने संख्या बढ़ा दिया लखपति दीदी का, तो आपको ₹1,00,000 मिलेगा, आप उससे खुश नहीं है? नहीं हम खुश नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चे की नौकरी चाहिए, हमको नहीं चाहिए वो 5 किलो अनाज उनका, हमको हाँ कहाँ का बताओ ना कौन सा? अच्छा कभी भी जो भी प्राइवेटाइजेशन आई हुआ है उसे नौकरी मिली है का? नहीं मिलेगी क्या? जिसको एयरपोर्ट दे, उसको अडानी को एयरपोर्ट दे दिए, अंबानी को तेल दे दिया, और कितना बेचोगे मोदी जी? और तो और हमारा लाल किला भी गिर में रख दिया, और कितना रखोगे? मोदी जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गठबंधन आके देश का बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। और तो और आप कह रहे थे कंपेरिजन करने के लिए, जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM बने हैं आपने बदलाव देखे होंगे, स्कूल अच्छे हुए, हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनमें, हमारी जो महिलाओं की समस्याएं होती थी जाके मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेते हैं, उसके अलावा बस में आज अगर यहाँ हम खड़े हैं तो बस में चल के आए, कोई किराया नहीं है, पहले सोचना पड़ता था। और तो और हमारे जो तीर्थ यात्री हैं जो हम अपने माँ बाप को नहीं करा सकते थे वो केजरीवाल साहब ने कराई है, पानी फ्री, बिजली फ्री, हमारी रसोई में अगर पूरे महीने में हमें 2,000 रुपये बचत मिलती है ना तो बहुत बड़ी बात है बहन जी, सोच के देखिएगा इस बात को जरूर। केजरीवाल जी टैक्स भरते हैं वो मेरे रिटर्न मिल रहा है, ये 10,000 रुपये टैक्स भरती है महीने का, मैं 10,000 भर रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न अगर उस फॉर्म में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है या बिजली पानी, दैट इज राइट ना, गलत क्या उसमें? वो एक मिनट, दिल्ली सरकार की बजट प्रॉफिट में चल रही है, CAA का रिपोर्ट है, एक मिनट, CAA की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है, अगर घाटे में चल रही होती तो फिर वो फ्री, तो हम भी सवाल खड़े करते फ्री क्यों दे रहे हो, राइट? अगर आप फ्री की बात कर रहे हैं तो भाजपा वाले लगातार ये कहते हैं कि फ्री कर दे, वो भी तो बोल रहे हैं अगर हम वेस्ट बंगाल में आए हम भी फ्री कर देंगे, कहीं और जा रहे हैं वहाँ पे भी, तो मतलब वो खुद केजरीवाल का मॉडल चुरा रहे हैं, वो भी तो चुरा रहे हैं ना, वो भी जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे वही बोल रहे हैं, ठीक है? जनता को फ्री की रेवड़ियों पे कब तक वोट मांगे?
फ्री की रेवड़ी कैसे? मैं टैक्स भर रहा हूँ 10,000 रुपए महीने का, मैं टैक्स भर रहा हूँ। ये बन रही है मेरी फियांसे, ये 10,000 रुपए टैक्स भर रही है, तो हम लोग 20,000 रुपए सारा टैक्स भर रहे हैं, तो रिटर्न नहीं मांगेंगे? इसको दे रहे हैं क्या चीज दे रहे हैं? फ्री हर चीज के ऊपर GST, हर चीज के ऊपर टैक्स, तो फ्री का पैसा तो हमारा ही है। ये जेब में से कौन सा लगा रहे हैं? कौन सा पैसा इन्होंने जेब में से लगाया है? मोदी जी ने कहा था मेरे को 100 दिन दो, नहीं तो मुझको चौराहे पे फांसी दे देना, तो कहेंगे क्यों नहीं चढ़े वो फांसी? कितने 10 साल होंगे, क्या कर रहे हैं? अभी मोदी जी अपनी गारंटी लेकर आए हैं। उनकी किस चीज की गारंटी? उन्होंने अपनी बीवी को गारंटी तो दी नहीं, बीवी से वो 7 महीने लिए देना, काय की गारंटी लिए? बीवी छोड़ दी, वो बेचारी कैसे कैसे वो जी रही है, उसको सिक्योरिटी दे दिया है। सिक्योरिटी जितना पैसा मोदी ने खा लिया, ठीक है, कितना दे दिया जनता में? बांट दिया क्या? बांट दिया। तो अगर इनको फ्री बिजली पानी बसों में सुविधा मिल रही है तो क्या दिक्कत है? सरकार मुनाफे में है ना, सरकार तो घाटे में नहीं है। अगर सरकार घाटे में जाए, हमें मुनाफा देने के बाद सरकार घाटे में जाए, सही, तो फ्री में एक पे एक शराब भी मिल रही थी, तो उससे भी आपको दिक्कत? नहीं, शराब को छोड़िए ना, वो दूसरा मुद्दा है। मुद्दा से क्यों भटक रहे? केजरीवाल जी से लिए जा रहे हैं शराब? केजरीवाल जी आ गया, बिजली पानी में शराब का मुद्दा कहाँ से आ गया? आप मुझे ये बात बताइए, छोड़िए ना उसको, उस मुद्दे को उड़ा दिए, शराब का मुद्दे पे अभी चल रहा है। नहीं नहीं, जेल में तो बीजेपी सरकार ने डाला ना, 4 जून के बाद देख लेना कौन जेल में जाता है, बीजेपी के कितने नेता जेल में जाते हैं। प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा, पहली बार होगा प्रधानमंत्री तक जेल में जाएगा, आप देख लेना। सरकार बस बदलने दो, सरकार बदलने दो, आप देखना बिल्कुल बदलेगी। हवा हवा का रुख देखो ना, आप हवा का रुख देखो, पता चल जाएगा।